मध्यकालीन भारत में विदेशी आक्रमणकारियों से संघर्ष करने वालों में दक्षिण में शिवाजी, उत्तर में महाराणा प्रताप और मध्य में बुंदेलकेसरी महाराजा छत्रसाल का नाम विशेष उल्लेखनीय है। महाराजा छत्रसाल राज करते थे पूरे बुंदेलखंड पर। उनके राज्य की सीमाओं को इस बुंदेली बोली में समझा जा सकता है। इत जमना उत नर्मदा, इत चंबल उत टोंस, छत्रसाल से लरन की रहु न काहु होश। आज हम आए हैं महाराजा छत्रसाल की नगरी मऊ सहानिया, धुबेला। धुबेला झील के किनारे पहाड़ियों के ढलान पर बने कई स्मारक और इमारत आज भी महाराजा छत्रसाल के छत्रपति होने की गाथा गा रहे हैं। यहां पर स्थित हृदय शाह का महल संरक्षण के अभाव में लगभग धराशायी हो चुका है। कुछ भाग अभी भी बचा हुआ है। महाराजा छत्रसाल ने इसे अपने ज्येष्ठ पुत्र हृदय शाह के लिए बनवाया था। महाराजा छत्रसाल ने विभिन्न प्रकार की इमारतों का निर्माण कराया और यहां पर उन सब की निशानियां आज भी मौजूद हैं। लेकिन महाराजा छत्रसाल का जन्म जंगलों के बीच में एक पहाड़ी में हुआ था। दरअसल महाराजा छत्रसाल के पिता चंपत राय मुगलों के खिलाफ बगावत कर लगातार युद्ध में व्यस्त रहते थे और चंपत राय के साथ युद्ध क्षेत्र में छत्रसाल की मां लाल कुमार भी साथ रहती थी। ऐसे में जंगलों के बीच 4 मई 1649 को महाराजा छत्रसाल का जन्म हुआ। महाराजा छत्रसाल कम उम्र की आयु में ही अनाथ हो गए थे। छत्रसाल के पिता चंपत राय जब मुगल सेना से घिर गए तो उन्होंने अपनी पत्नी लाल कुमार के साथ अपने ही कटार से प्राण त्याग दिए, किंतु मुगलों के सामने झुकना स्वीकार नहीं किए। महाराजा छत्रसाल ने कम उम्र में ही एक छोटी सी सेना बनाकर मुगलों से लड़ाई करने की तैयारी करने लगे। छत्रपति शिवाजी से भेंट कर और युद्ध के गुण सीख कर मुगलों के खिलाफ संघर्ष की शुरुआत कर दिए। महाराजा छत्रसाल ने कई युद्ध लड़े और लगभग सभी में विजय प्राप्त की और बुंदेलखंड में छत्रपति महाराज की उपाधि प्राप्त की। महाराजा छत्रसाल की पुत्री मस्तानी का विवाह बाजीराव पेशवा के साथ हुआ था। हृदय शाह के महल के पास ही स्थित है मस्तानी का महल, जिसे अब एक म्यूजियम में बदल दिया गया है। म्यूजियम से थोड़ी आगे बढ़ने पर हमें मिलता है महारानी कमलापति का मकबरा। महारानी कमलापति महाराजा छत्रसाल की पहली पत्नी थी। रानी कमलापति के मकबरा से थोड़ी आगे जाने पर हमें मिलता है महाराजा छत्रसाल का मकबरा। महाराजा छत्रसाल की छतरी और महाराजा छत्रसाल की छतरी के पीछे ही है महाराजा छत्रसाल के प्रिय घोड़े की समाधि। महाराजा छत्रसाल का जो घोड़ा था महाराजा छत्रसाल को बहुत प्रिय था। कहते हैं कि महाराजा छत्रसाल के घोड़े ने एक बार महाराजा छत्रसाल की जान बचाई थी। महाराजा छत्रसाल के घोड़े का नाम भले भाई था। उसकी भी समाधि महाराजा छत्रसाल की समाधि के साथ में ही है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।